हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय टेक चैनल। माय नेम इज याग्निक। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आईपीओ क्या होता है, आईपीओ कैसे मिलते हैं, आप लोगों को क्यों आईपीओ अलॉटमेंट नहीं मिलता, और आप आईपीओ अप्लाई करते टाइम क्या क्या गलतियां करते हो, या कौन सा बेस्ट मेथड है जिससे आपको आईपीओ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेसिकली आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहां पे कंपनी अपनी प्राइवेट ओनरशिप को पब्लिक ओनरशिप में बदलती है। मेनली इंडिविजुअल इन्वेस्टर दो ही मेथड से आईपीओ अप्लाई करता है। मेथड नंबर वन, अप्लाई फॉर आईपीओ यूजिंग यूपीआईडी। इसमें लोग क्या करते हैं कि लास्ट डे तक आईपीओ पे वेट करते हैं, और ग्रे मार्केट का प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन देख के लोग लास्ट डे में यूपीआईडी पे रिक्वेस्ट डालते हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इरर आने का चांसेस रहता है। कभी कभार बैंक का सर्वर नहीं चलता, या कभी कभार यूपीआईडी पे आपकी रिक्वेस्ट ही नहीं आती है, तो आप आईपीओ अप्लाई नहीं कर पाओगे उस दिन। तो इसका ये सॉल्यूशन है कि आपको पहले दिन ही अप्लाई कर देना चाहिए आईपीओ जब ओपनिंग होता है, और आप कभी भी एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हो लास्ट डे तक, तो उसमें कोई आपकी परेशानी नहीं आएगी और आपकी एप्लीकेशन आराम से सक्सेसफुल हो जाएगी। दूसरी गलती ये होती है कि बहुत लोग क्या करते हैं, मल्टीपल अकाउंट से आईपीओ अप्लाई करते हैं, तो सेम ही यूपीआईडी से वो लोग पेमेंट करते हैं सबका, जो कि ये गलत है। जीरोधा में साफ साफ लिखा रहता है कि आप जो भी डीमैट अकाउंट में बैंक अकाउंट रजिस्टर होता है वो, और जिससे पेमेंट मेथड यूपीआई यूज कर रहे हो, वो अकाउंट सिमिलर होना चाहिए। उस दोनों दोनों अकाउंट का डाटा मैच नहीं करेगा तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का चांसेस है, और ज्यादातर आईपीओ मिलते ही नहीं है। मैंने करके ये चीज ट्राई कर चुका हूँ। ये वाली गलती बहुत लोगों ने की होगी, आप में से भी किसी ने की है तो नीचे मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बेस्ट वे यूपीआई में भीम यूपीआई यूज कीजिए, और ओपनिंग डेट पे ही आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए, बाकी आप जब आप कन्विंस हो जाए इन्वेस्ट करने के लिए तब जाके आप एक्सेप्ट करके पेमेंट कर दीजिए उसको। मेथड नंबर टू, अप्लाई आईपीओ यूजिंग नेट बैंकिंग अस्बा ऑप्शन। आप मल्टीपल अकाउंट से एप्लीकेशन डालते हो तो अस्बा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। जैसे आप अस्बा ऑप्शन से अप्लाई करते हो तो वहां पे बैंक में ऑप्शन बहुत सारे सिलेक्ट करने का आता है इंडिविजुअल में, तो आप वहां पे मोर लेस देन 2 लाख रुपीज वाला ये ऑप्शन सिलेक्ट करने भूलिए मत। और एक ये है कि आप कंपनी में जो कोई कंपनी का एम्प्लॉय हो या कोई कंपनी के शेयर होल्डर पहले से ही हो, वही कंपनी आपके लिए आईपीओ ला रही है, तो आपका ऑप्शन अलग आएगा। वहां पे आप सिलेक्ट करोगे तो आपको अलॉटमेंट मिलने का चांसेस बढ़ जाता है, तो ये अप्लाई करने से पहले एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। बहुत सी नेट बैंकिंग में आपको मल्टीपल अप्लाई करते हो तो वहां पे डीमैट अकाउंट नंबर डालने का ही ऑप्शन आता है, जहाँ कि आप अपना पैन कार्ड नंबर नहीं डाल सकते, वो बाय डिफॉल्ट ही चूज कर लेता है जो जिस नाम से आपका बैंक अकाउंट रहता है उस बंदे का, तो ये एक अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि कहाँ कहीं पे लिखा नहीं है कि ऐसे अप्लाई करने से आपको आईपीओ नहीं मिलेगा, पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं कोटक बैंक यूज करके बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ कि डीमैट अकाउंट नंबर दूसरे के होते हैं और बाय डिफॉल्ट मेरा ही पैन कार्ड नंबर ले लेता है उसमें, तो मैंने अप्लाई किया है तो मुझे कभी भी नहीं मिला है। इसके लिए बेस्ट मेथड ये है कि डीमैट अकाउंट नंबर और पैन कार्ड नंबर दोनों डालने का ऑप्शन देता है जो नेट बैंकिंग, वही यूज कीजिए। सबसे बेस्ट नेट बैंकिंग अस्बा ऑप्शन है एसबीआई नेट बैंकिंग का, जहाँ पे आप 5 आईपीओ एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो इजीली। अगर आप 5 से ज्यादा अप्लाई करना चाहते हो पर कंपनी, 5 कर सकते हो पर कंपनी, मोर देन 5 आप डीमैट से आईपीओ अप्लाई करना चाहते हो मेरी तरह, तो आप बीओआई का नेट बैंकिंग भी यूज कर सकते हो। मैंने बीओआई पे मोर देन 10 एप्लीकेशन से ट्राई कर चुका हूँ, आप भी ट्राई कर लीजिएगा। अगर आप ज्यादा ही डीमेट अकाउंट से आईपीओ अप्लाई करते हो तो आई थिंक इससे ज्यादा तो किसी को जरूरत नहीं पड़ती होगी, फिर भी आप अगर करते हो तो ट्राई कर लीजिए बीओआई एक बार। दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।